अच्छा भैया, एक बिरहा आप लोगन के बीच में हम भेजत है। ये विनोद भाई के देख रेख आवारा स्टूडियो से, ये दीपक भाई के देख रेख में आवारा स्टूडियो से भेजत है। और रिकॉर्डिंग पर बैठे हुए अभिषेक बाबू, हम अपने पूरे साथी सहित गायक कलाकार लाल मोहम्मद शेख जौनपुरी के आवाज में आप लोग सुनिहा, हमें विश्वास हो बिरहा से आप लोगन के जैसन हमें प्यार दुलार मिलल हो। हर बिरहा पर हर गीत पर वैसे ही यही बिरहा पर प्यार दुलार मिली। अच्छा रमेश बाबू, देखा वेद के अंदर बहुत भेद है। आप लोगन के एक पौराणिक प्रसंग मिली, कैसे मास्टर? संघर्ष से हर्ष मिल जाता है, धर्मराही अगर सतपथ को न त्यागे, दिग्गज दिशाएं अमन छोड़ देंगे, सुर नर मुनि सर झुकाते हैं आगे, देवाधिदेवा त्रिदेवों की महिमा शिथिल होगी, लड़के धर्म धर्म जागे, के लड़ाई है नर को सताए, मगर धर्म राही धर्म से न भागे। एक लाइन गजल का अंदाज और रमेश बाबू ते बजा के आ जा। देखा ये सुभाष भाई कौनो एक प्यार का मारल लईका, हा हो जैसे रमेश बाबू हमारे प्यार कई के धोखा खेलन, वैसे कौनो एक प्यार का मारल लईका अपन व्यथा बतावत हो। कैसे कि दर बदर दिल से मुझको, अरे दिल से मुझको अरे तका दी गई, गजल का नमूना हो लेकिन बिरहा स्थल में कहनामा की धर्म और लक्ष्मी में विवाद हो गया। लक्ष्मी कहते हैं कि मैं बड़ी हूं और धर्म जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं। धर्म लक्ष्मी में विवाद हो गया गाना के भाव में कहनामा कैसे? ओ कि धर्म
लक्ष्मी में चमके, ओ धर्म लक्ष्मी में चमके, लड़ाई हुई विवाद हो गल। लक्ष्मी कहते हैं कि मैं बड़ी हूं और धर्म कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। अब दोनों जन का फैसला के थी, दोनों जने फैसला लेवा बदे के ब्रह्मा के पास पहुंचत हुआ नजम के लाइन में कैसे रमेश बाबू ती फरिया के देदा कि ये इनकार ब्रह्मा विष्णु पास आया समझला। ब्रह्मा के पास गईलन धर्म लक्ष्मी, ब्रह्मा जी कहने विष्णु के पास जाई, विष्णु जवाब ना देलन कहलन कि आप जाइए शंकर के पास, शंकरो जवाब ना देलन कहलन कि आप लोग मृत्युलोक में राजा विक्रमादित्य के घर पर चले जाओ, विप्र के भेष में हर्म और लक्ष्मी जब मृत्युलोक में विक्रमादित्य के द्वार पर अइलन, राजा विक्रमादित्य सम्मान करते हैं, कहलन कि आप साधु जन विप्रजन आप लोग कैसे आप मन पूछत हूँ राजा जी, सवाल कर दोनों जने कि आप बताइए धर्म बड़ा है कि लक्ष्मी बड़ी है,
ए बाबू, राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म होता है। अरे ए भैया, जब इतनी बतिया लक्ष्मी सुलीन हो तो कुपित हो गई थी। राजा का राज छोड़ करके चली जाती हैं। प्रमाण मिलता है वही राजा विक्रमादित्य भिखारी हो गए। ए भैया, एक साधु चलल राजा विक्रमादित्य के नगर में पहुंचल। मिले देखी डगरिये में एक बनिया रहा। वो बनिया से, वो साहू से पूछत हूँ, साधु बाबा कि हम राजा विक्रमादित्य के पास जाब। वो बनिया कहले का कर भेजा गया, राजा के पास कौनू न धन हो न दौलत हो, वो खुद भिखारी बनल हूँ, तुम्हें कुछ दई हुई है ना। साधु कलन की ना दई है, लेकिन हम ते राजा से मिलो। कहे जा, अगर जितना राजा तुम्हें दी है ओकर हम दुगुना समान, लेकिन जा। साधु चल दिया है। जब राजा दरबार में पहुंचा है, राजा के पास कुछ नहीं था। बाबू सत्कार करते हैं, आइए आपका स्वागत है। साधु का सत्कार कह के उनके पास रहल का कुछ देहलंत नहीं, एक जियौले रहन सुग्गा। ओ सुग्गा का नाम बतावा जला बाबू, हीराउन सुग्गा। उहे लियाए के थमा देलन साधु के हाथ में, कहें बाबा जी इस सुग्गा का आप हमरे तरफ से तोहफा हो, यह हमारे पल्ले हो। दे देलन लेके साधु बाबा बनर, लेके साधु बाबा सोचत हो कि सुग्गा के हम करब का। एक लाइन तर्ज लग गई मास्टर। गाई पहाड़ी गीत लग गई, जब मिर्जापुर के भर सोनभद्र के तराई में जब चल जाब, तू आके मेहरारू गई है। अरे पियावा कि पियावा मिला ला 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 मुनावा बोले के सपना बाबू। साधु जी जब वहां पहुंचल हुआ था, राजा हिराउन सुग्गा के दे देलन। एक बंदर जी उले रहलन, वो बंदर के भी बाबा के दे देलन। अपने दासी के थमा देलन, बाबा के साथे लगा देलन, कहे कि जा दासी बाबा का आदेश का पालन करी है, इनकर सेवा करी है। साधु बैठल सोचत बान के, अरे बाप रे बाप, ई तो हम अली सोचली राजा के यहाँ कुछ धन दौलत मिली, ई तो कुल विपत कपारे थमावत बायन राजा जी। भयल का एक लाइन तर्जबा। गीत है बा कि कौनो एक दुल्हन का दुल्हा ड्राइवर रहो।
कौनो के प्रेमी के कौनो एक प्रेमिका के प्रेमी ड्राइवर रहल जब जब दिखाए तो के जहां मिले तहां पोंपो बजावे यानी हरनवा बजाए के बुलावे तू तू कहलस का कि पोंपो तर्जो हो लेकिन गाना के भाव में कहे नाम बा तो बोले कुछ ना राजा हीरावन सुग्गा बंदर दासी के दे देलन साथ में मंत्री की भी लगा देलन साधु सोचत बान के रे राम ई चार चार जीव देत बा रजवा ई कैसन राजा हो हमार त पेट अकेले पाड़ भेल बा हम चरहुन के करब का सोच लेलन कि लिचले के चलत हिला चरहुन के बहकाई रास्ते में चरहुन के छोड़ के हम अपन फरार हो जाब ए भैया जब रास्ते में लेकर के वह साधु चारों को जो पहुंचे हैं तब कहलन मंत्री जी से कि तनी हम लघु शंका के लिए झोली बगल डल्ले बाबू जी लघु शंका के बहाने रास्ता जंगल का पकड़लन कुछ दूर निकल गईलन बानर पेड़ पर चढ़ गया देखत कि अरे इस साधु भागल वह यहाँ कहाँ जात हो पहुंचल वही पेड़ पर चढ़त 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 पहुंच के साधु का छोली पकड़ लेस बंदर कहलते कहां जा रहे हो चलो छोलिया पकड़ते और खींचते लेके आई कहलस बंदर साधु से का कहलस बानर बोला साधु से अरे बानर बोला साधु से लेतान हमें टुकराते हो मैं कहां तज रहूं ठाम सुघर दुविधा में हमें फंसाते हो जो दान दिया ले गाना फिर वह यह कर्म तेरा ना अच्छा है तेरे साथ में रह लूंगा राजा का फैसला सच्चा है बनिया की बाणी याद हुई द्वार पे आया लख जगाए हैं तू ना दूंगा समान सब दूनी समान तपाए हैं सुग्गे से ना बर्दाश्त हुआ चार दुना जब आठ हुआ चार दुना जब आठ हुआ आठ से बारह पाए हैं सुग्गे से ना बर्दाश्त हुआ मेरे समदर्शाए हैं बनिया का बात याद आएगी कि बनिया काले रल की जा जवन राजा दी होकर दुगुना हम दे साधु लालची लोभी साधु सोचले कि चली बनिया में कुछ दे दे
कुछ दान दे दे कुछ धन दौलत हमार गरीबी कटी। जब पहुंचल है दुआरे वह जब देखले बा साहू की बंदर सुग्गा एक मेहरारू एक मनई आ दूना देव अब कहले रहल तो दूना लिया के दे दहले से दूठे बंदर दूठे सुग्गा दूठे मनई दूठे मेहरारू आठ हो गल चाठे नने रहने देखत देखत बर्दाश्त ना भल सुग्गा से कलते हे साध साहू सुनो ई जवन देहला है सुग्गा जैसन हम मिले ऐसा तोहार सुग्गा ना ई बंदर देहला है जैसन बंदर ई हो वैसन तोहार बंदर ना हो दूठे ही मेहरारू दे देला जैसन ई दासी है वैसन तोहारी मेहरारू ना हो आज एक दूठे मनई दे देला तो जैसन ई राजा जी के मंत्री हो जैसन ई मनई हो वैसन तोहार मनई ना हो। साधु सोचे लगलन के रे बाप रे बाप ई का कहत बा सुग्गा और तबले सुन के बाद बनिया के एकदम खोपड़ी टनके लगल कहे ऐसी क्या बात है। वह साहू रामचरितमानस लेकर के दे देता है सुग्गे को पढ़ करके हमें बताइए कुछ कले सुना। सुग्गा कहलस कि हम पाठ बाँचीला चौपाई पड़त अर्थ बानर बतावाला ई मेहरारू जवन है दासी है बेगर कहला ही भाव पूजा देली बोले के जरूरत ना हो ई मनई हुए हुए कि बेगर तो है जो सोचबे मन में वो तुरंत लिख दी है। कहें अरे साहू सोचले कि बाप रे बाप ये कौन एक खूबी है। रामचरितमानस लेकर के दे देता है वह पढ़ता है सुग्गा पढ़ले बा कैसे मास्टर रामचरितमानस से वह चौपाई सुग्गा पड़ रहा है मनवे मन सोचे लगल उ बनिया की बाप रे बाप ई त सुग्गा 2 लाख तैसा तर्ज बदल गल मास्टर तर्ज हुए बा गोरिया कई के उल्टा पल्ला बनलू छतिया के रसगुल्ला गोरिया कई के उल्टा पल्ला बनलू छतिया बे रसगुल्ला हल्ला भयल मोहल्ला सब मारे ना जरिया ना
लेकिन गाना के भाव में कहना बगा तो बनिया सुग्गा दाम लगावे कीमत लाख लाख होरावे तो बनिया सुग्गा दाम लगावे कीमत लाख लाख साधु बाबा के पीठ खजुआत रहल मनवे में सोचत हुआ साधु बाबा की कैसी पीठ खजुआई तब ले दासी उठ के आई के साधु बाबा के पीठ खजुआवे लगल। बनिया पूछलस कि अरे ई का बात हो, कहे साधु का पीठ खजुआत रहल ऐसे दासी खजुआवत थी। साधु चाहे पीठ खजुआवे दासी सिर से सोहरावे थाना पावे बनिया छह लाठी और रतिया ना लिखत हुआ सुग्गा के कीमत 2 लाख, बंदर के कीमत 4 लाख, दासी के कीमत 6 लाख लिखत हुआ। जोड़ सब मंत्री रहे लगाई कीमत 12 लाख बतलाई लिख लेलन कुल। साहू पूछले से बनिया की का लिखत हुए, मंत्री कहलन की है लिखा दिला के 2 लाख सुग्गा के कीमत 4 लाख, बंदर के कीमत 6 लाख, दासी के कीमत। कपारे पहाड़ धिलन कहे रे बाप रे बाप, बनिया सोचले कि इतने बेगर कहले को लिखत हो तो इत इकट्ठा 12 लाख। वो टप से मंत्री लिख लेन 12 लाख। बनिया पूछले कि अब ही के का लिखल है, कहलन मंत्री की साहू जी हमार कीमत 12 लाख लगौले है न। कपार माथा टनखे लगल बनिया के तो जोड़ सब मंत्री रहे लगाई कीमत 12 लाख हो राई 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 आप हताई 24 लाख का मनिया चौबीस लाख का जोड़ बता दहलन मंत्री जी। मंत्री कहलन कि आप ही कीमत 24 लाख लगाए हैं, आप अपने जबान का पक्का हो, अब कीमत का दूना दीजिए। 24 दूना अब 48 लाख देवे के बनिया के भल कपारा कपार लगल फटे। लेकिन वह भी बनिया अपने जबान का पक्का था बाबूजी, विदेशिया के लाइन में कहना बका सिरवा पे हाथा धई के अरे पिटला का पलावा हो अरे बनिया का बंद होई गईली जू बनिया साधु साते चार जीव छोड़े ना दुआ रावा हो
रोज रोज घर छूटल अब चल जमीनी ना हो खुशी भैल साधु पर है जैसे गंगा जी का पानी घर जाई साधु सोचा अज कर धन से धनवाना भैली अरे देखी चल के राजा जी का कितना भैली हनीला बात के समझला बाबू वह जवान का पक्का बनिया पूरा घर दुआर दुकान बेच करके 48 लाख देले साधु बाबा के घर पे लेके एलन बड़े सुखमय से जिंदगी बीता था कुछ दिन बीतल साधु सोचलन की चली हम राजा विक्रमा के धन से हम इतना धनवान भेली चली देखी राजा का का हाल हो ए बाबू जब राजा से साधु बाबा मिले आल हो घर पर यहाँ राजा बैठल झंखत हूँ सोचत हूँ कि हे राम हे भगवान एक बिटिया हमारा सयानी हो हम कैसे शादी करी न हमरे पल्ले कौनो धन हो न दौलत हो साधु की पवलन राजा जी साधु से एक बात कहलन कि हमारे खे पत्र हो आप लेके जाइए हमारे काम कर का कहलन एक लाइन तर्ज बदलिए मास्टर बाबा ई बिरहा के शैली में लिखाई के भेल अरे राम अरे धावन को खुद सहारा दे दिए शोक को रोक विक्रमा की तपन से पावन धावन को खुद सहारा दे दिए साधु आल हो दुआरे एक पत्र लिख के वह साधु के थमा देलन कहलन की यह लेके जा एक हमार साधु जी काम के दा कैसे भैया की लाइन तर्ज बदल गई हो मास्टर ओहो गाना के भाव से देखा तर्ज से बढ़िया फर्ज में कहनाम बाका कि यारे बोले राजा द्वारे पाके अरे माना मोरे कहना वाले साधु
ए भैया वो खत लिख करके राजा विक्रमादित्य साधु के दे दलन कहलन के लेकर के जाइए सागर के तीरे। आप साग जा करके सिंधुर राजा आवाज लगाएंगे तो राजा सिंधुर आपसे मिलेंगे। वो खत लेके बाबूजी सागर के तीरे जाके आवाज लगावत हूं। सिंधुर राजा का आवाज कीलन, राजा सिंधुर उसी सागर के बीच से निकलन, हाथ में अपने एक पेटी ले हूं। आइलन बाहर, उस सिंधुर दे देलन साधु के, कहे लीजिए अब यह ले जाकर के राजा को दे देना। साधु कहलन कि मैं हौ का कुछ बतावा, कहे नहीं आप ले जाकर के दीजिए, साधु नहीं मानते हैं। सिंधुर राजा बता देलन कि राजा के लड़की के शादी हो, इमें चार खाना हो, जितना आभूषण धन दौलत गहना हाथी घोड़ा खाना अपनी शादी में बिटिया के देवल चाहिए हैं सब मिल जाए। वो लोभी साधु बाबू राजा के घर न आकर के अपने घर पे पहुंच, तब भैल का पहपट का लाइन लगा। अरे पाके पेठी साधु हृदय हुडाता आशा शादी की, पाके पेठी साधु हृदय हुडाता आशा शादी की, अब भूप सुता कर मिटी है तुरंत निराशा आशा शादी की। ए भैया बेटवा बिटिया में हर सब मांगे लगा, बेटवा कहत हमें घोड़ा दे दे, बिटिया कहत बाबू हमके गहना दे दे, दुलहिन कहत बा साधुआइन कहत बहन साधु के कि हमें दे दे कड़ाही जैसन चाही भोजन वैसन दीप तो है। लोभी साधु मनुए में सोचत हो कि अगर चौथा हम ही वस्त्र वाला ले ली तो खूब रच के सिंगार करी थे, लेकिन ओकरे लोभी साधु के लालिश दिल में हो, लेकिन परकल से ना 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 हम देव ना। दूसरे दिन वो पेटी लेके जब राजा विक्रमादित्य के घर पे आता है, राजा विक्रमादित्य इनकार कर देते हैं, बोले साधु अरे क्या लेकर के आए हो, घर पे ही तो बांट लिए, घर पे सबको निराशा करके मेरे पास आए हो, यह हमको नहीं चाहिए। अरे बाप रे बाप, सारी बात जब सुन ले बात साधु कि राजा के कैसे मालूम हो गल, वह ज्ञानी राजा को तो सब मालूम है, लेकिन लेहलन ना वापस कर देना राजा विक्रमादित्य। यार देखा शादी का लगन एकदम पड़ गया हो, विक्रम अपनी बिटिया का लगन धैले हुआ बड़ा परेशान हो, लेकिन भयल का आल्हा में प्रमाण मिली। तल्ली हले नाही विक्रम चलल साधु तब ने छनवा भैया, गिरी पे लसीन लसीन देख
हमरे कार भाता दुख है खेलता लपाता भैया दुआरे बलात साजे दुल्हा गई ले खेला गई ले ना ए भैया भगवान भोलेनाथ देखत हूँ सब खेला भगवाने भोलेनाथ मृत्यु लोक में भेजले हुए धर्म लक्ष्मी के देखत हुआ कि हमारे कारण हमार भक्त इतना दुख झेलत ए बाबू शादी के दिन आगल बारात दुआरे आ गई कौनो राजा की तैयारी घर पर ना हो भगवान भोलेनाथ उल्टे पांव हो गई वही गिरी आसीन पर हिमगिरी पर लगन खेला करे पूरा ब्रह्मांडल ब्रह्मांडल हिले लगल सब देव त्रह इमाम करत के पहुंचल वहां कहे हे नाथी का करत हुआ कहे वो देखा जवन करत हिम ठीक करत है देखा हमार भक्त राजा विक्रमादित्य के घरे का होत बारात दुआरे आइल हो कौनो तैयारी सब देवगण मृत्युलोक मिला राजा विक्रमादित्य के द्वार पर भगवान भोलेनाथ कहलन लक्ष्मी देखा था उन्हें चला चला मृत्युलोक में तो हूँ सब लोग मृत्युलोक में आते हैं राजा विक्रमादित्य के द्वार पर बारात आइल हो भगवान भोलेनाथ पूरा देवगण मिल करके सारी तैयारी कर लेन आखिर के लाइन में कहना बाका पमन बेनिया डोलावे बारा दिन के बरुणे आके पनिया पियावे शादी संपन्न हुआ सब देवगण मिल करके हर काम को काज को सब पूरा संभाल लिए भगवान भोलेनाथ कहन काहो लक्ष्मी मेरा भक्त कहा था ना कि धर्म बड़ा है लक्ष्मी नहीं बड़ी आप दोनों जन यानी पहुंचे राजा के पास तो विप्र के भेष में पहुंचे थे उनको नहीं मालूम था कि आप लक्ष्मी हैं और आप धर्म हैं लेकिन मेरा भक्त कहा था धर्म बड़ा है तो देख लो आपने क्या क्या नहीं की लेकिन फिर भी धर्म डिगा रहा राजा विक्रमादित्य का धर्म डिगा नहीं तो आप बड़ी नहीं हैं सबसे बड़ा धर्म है हुआ क्या सब देव मिल दहला राजा के आशीष हो धर्म
सभी देव मिल करके आशीष दिए, शादी संपन्न हुआ बाबूजी, धर्म के आगे लक्ष्मी नतमस्तक होती। इसलिए कहा गया पैसा आज है कल नहीं है। हर इंसान का सबसे बड़ा धर्म बरकरार रहना चाहिए, धर्म अपने जगह रहता है और धर्म पर चलना चाहिए। ई आखिर के लाइन में हमारे गीत का आखिरी हो कहना बाका गुरु नट स्वारथ हरि शंकर राम करण गुणकारी स्वर्ग बस दिन कर जाओ कभी तजा मृत्यु जी हुए।